दोस्तों, अगर आप भी ये डिवाइस लेना चाहते हैं, ये फिंगरप्रिंट डिवाइस जो कि कई सारी केवाईसी करने के हमको काम आती है, अगर आप भी ये डिवाइस लेना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इस डिवाइस को आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, और अगर लेना चाहिए तो यह डिवाइस आपको कितने रुपये में देखने को मिलेगी, कितने रुपये में आपको पड़ जाएगी। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूँ, पूरा रिव्यू दूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए मैं आपको पूरा लाइव प्रोसेस बताते हैं कि ये हमको कितने में पड़ी है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं इस डिवाइस से। तो इसको हमें भी रिव्यू करते हैं, पर आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से बॉक्स में पैक आता है। अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह से ऑर्डर करेंगे तो इसके ऊपर भी एक कवर आपको देखने को मिल जाएगा। देन इसको हम यहाँ से निकाले कुछ इस तरह से देखते हैं। यह भी हमारी मंत्रा की डिवाइस है और मैं इसकी कुछ खासियत भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों हमने इसी डिवाइस को चूज किया। तो यहाँ से पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये इसको हमने ऑलरेडी एक बार ओपन करके देख लिया था, देन हमने फिर से उसको पैक किया है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से डिवाइस मिलती है, एक पॉलीथीन में पैक मिलती है। यहाँ पर एक हमको एक क्लॉथ मिलता है जो कि इसको साफ़ करने के लिए है, काफ़ी स्मूथ है। देन इस डिवाइस के साथ हमको एक OTG केबल भी देखने को मिली थी, जो कि मैं केबल को दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की केबल हमको देखने को मिली थी जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। देन इस डिवाइस को हमने परचेस किया है 2,250 में, यानी कि 2,500 सॉरी 2,550 रुपये में। देन अगर आप इसको ऑनलाइन बाय करते हैं तो 150 का अंतर देखने को मिल जाएगा। इसको हमने ऑफलाइन मार्केट से बाय किया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने मंत्रा का ही डिवाइस क्यों परचेस किया। मार्फो का भी डिवाइस आता है, कई सारे डिवाइसेस आते हैं। इसमें कई खासियत यह है कि इसमें आपको रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो एक सब्सक्रिप्शन होता है सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह लाइफ टाइम के लिए फ्री होता है, आप एक बार ले लें तो लाइफ टाइम के लिए फ्री है। बाकी अदर डिवाइसेस में आपको वहाँ पर सब्सक्रिप्शन हर साल लेना पड़ता है, साल भर के लिए, लेकिन हर साल पैसा देना पड़ता है। इसमें ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। साथ ही इसमें मतलब हमको जितने भी EKYCs होती हैं छोटी मोटी, सभी आप कर सकते हैं। यहाँ से आधार कार्ड से पैसे वगैरह जो निकालते हैं वो भी कर सकते हैं। जितनी भी छोटी मोटी KYCs वगैरह होती हैं सभी आप इस डिवाइस से कर सकते हैं। तो यह डिवाइस काफ़ी स्ट्रांग भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देन इस डिवाइस से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जितनी मतलब उन जिन डिवाइसों में सब्सक्रिप्शन लगता है उन डिवाइसों से कर सकते हैं काम, सेम काम इससे भी कर सकते हैं। इसमें एक खासियत है कि इसमें आपको सब मतलब हर साल रिचार्ज वगैरह कराना नहीं पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लेना पड़ेगा। देन इस डिवाइस की कुछ यही खासियत है, यहाँ पर लगभग 1 मीटर की हमको यहाँ पर केबल देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। देन इस अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस डिवाइस को मतलब किस तरह से आपको अपने कंप्यूटर में सेटअप करना है, किस प्रकार से आपको इसमें RD सर्विस इंस्टॉल करना है, किस प्रकार से मतलब आप इसको रेडी करेंगे। क्योंकि अगर शुरुआत आप पहली बार इस डिवाइस को खरीद रहे हैं तो आपको मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होगी वहाँ पर सेटअप वगैरह करने में, कई बार यह ऑन नहीं होता है। तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप अगली वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से आप ऑन वगैरह कर सकते हैं, किस प्रकार से आप सेटअप वगैरह कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ।